हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, 12th क्लास में अपने पास एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 12.2 में चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वेक्टर ए बी है आपके पास। यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया ओ, क्लियर है। देखिए, तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे होगा। इन ट्रेंगल ए ओ बी बाई यूजिंग ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रेंगल ऑफ एडिशन जब आप यूज करेंगे तो ए बी वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी। अब इसको मैं ओ बी वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर भी ए ओ वैक्टर भी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब बेटा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर भी कहा जा सकता है। तो बेटा, अब इसका हम डायरेक्ट तरीका ये लगाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब एक्सरसाइज में बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले के मुताबिक बेटा चलेंगे। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज में। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको आप वेक्टर ओ ए राइट डाउन कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू, आपको दे रखे है बेटा ये ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि ओ बी वेक्टर, ये दे रखे है बेटा बी वेक्टर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी कि ओ सी वेक्टर, ये आपको दे रखे है 3 times ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 times ऑफ बी वेक्टर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ डी पॉइंट, ये आपको दे रखे है 2 times ऑफ ए वेक्टर, इसको वेक्टर ओ डी लिख सकते हैं आप, 2 times ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 times ऑफ बी वेक्टर। अब आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा है एसी। एसी वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपके पास है 3 times ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 times ऑफ बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर आपके पास ए है, तो बेटा जो रिजल्ट है वो आपके पास हो जाएगा 2a + 2b। अब चलते हैं इससे आगे। एसी के बाद पूछा है डीबी वेक्टर। डीबी वेक्टर बताने का तरीका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आप हमेशा डायरेक्ट ध्यान रखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, ये बात डायरेक्ट ध्यान रखें, और ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से बने आपको बता दिया गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आपके पास दे रखे है बी वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आपके पास है 2a वेक्टर माइनस 3 times ऑफ बी वेक्टर। अब आप सोल्व करेंगे तो 3 times ऑफ बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो आपके पास हो जाएगा 4 times ऑफ बी वेक्टर माइनस 2 times ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद आपसे पूछा गया है बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपके पास दे रखे है 3 times ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 times ऑफ बी वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आपके पास है बी वेक्टर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 3 times ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बी सी वेक्टर के बाद आपके पास पूछा गया है डी ए वेक्टर। डी ए, डी ए वेक्टर का फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ आपके पास क्या है, ए वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आपके पास क्या दे रखे है, 2 times ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 times ऑफ बी वेक्टर, ये बेटा आपके पास बनेगा माइनस ए प्लस 3b, 3b माइनस ए वेक्टर, क्लियर है। अब चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए,
सेकेंड क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर दे रखे हैं आपको, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, जिसको आप वैक्टर ओ ए से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 4a-3b, 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। इसके बाद b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ b, जिसको आप वेक्टर ob से डिनोट करते हैं। ये आपसे दिया हुआ है a प्लस 3b, a वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। इसके बाद c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ c, इसको वेक्टर OC से डिनोट कर रखे है। ये दे रखे है माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बेटा आपसे जो प्रूव करवाया गया है, सबसे पहले तो ए बी वेक्टर पूछा गया है। ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आपके पास दे रखे है ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3b पॉजिटिव और ये भी 3b पॉजिटिव, तो आपके पास हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस 4 ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है bc वेक्टर। bc वेक्टर का तरीका होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपके पास है माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ब्रैकेट में लिखें ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास माइनस 5 है माइनस ए, माइनस 6a प्लस बी माइनस 3b माइनस 2b हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है एसी वेक्टर। एसी वेक्टर का तरीका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपसे दिया हुआ है माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जब आप कैलकुलेट करेंगे माइनस 5 है माइनस 4 है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 9a और क्लियर है प्लस बी प्लस 3b, ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए बी बी सी और ए सी, ये तीन फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए बी प्लस बी सी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। हम फाइंड आउट कर चुके हैं ए बी और बी सी को जब आप ऐड करेंगे तो 6b-2b, 6b-3a और प्लस बी सी वैक्टर आपके पास है -6a-2b। जब आप इनको बेटा ऐड करेंगे तो आपके पास -3a और -6 हो जाएगा -9a वैक्टर। 6b और -2b ये आपके पास हो जाएगा प्लस 4b इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर। यही बेटा आपके पास है राइट हैंड साइड है, ऐसा ही आपने प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स को आपने कोलिनियर प्रूव करना है, तीन पॉइंट्स को। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको वेक्टर ओ ए से डिनोट कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए बेटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जिसको वेक्टर ओ बी से आप डिनोट कर सकते हैं। ये आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, इसको वेक्टर ओ सी से डिनोट कर सकते हैं। ये आपसे दे रखा है 7 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर।
इन तीनों को आपने कोलिनियर प्रूव करना है। देखिए ए बी सी इनको कोलिनियर दे नहीं रखे, चेक करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करता हूं। ए बी वेक्टर का तरीका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस टू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। अब आप बी सी फाइंड आउट करें चाहे ए सी फाइंड आउट करें, वो आपकी मर्जी है। बी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी में से जब बी का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा सिक्स ए माइनस टू बी माइनस फोर सी। मैं यहां से टू कॉमन निकाल देता हूं, आपके पास बचेगा थ्री टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस टू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। टू एज इट इज ये क्या है, ए बी वेक्टर ही है। अब आपसे एक बात बताई गई थी, अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर हो, दिस इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, बट बी इज द कॉमन पॉइंट, बी इज द कॉमन पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर एंड ए सी बी सी वेक्टर आर कोलिनियर। तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। दिस इंप्लाइज दैट ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है? तो इसका मतलब बेटा सबसे पहले तो ये हुआ कि जो बी सी वैक्टर है वो पैरेलल हुआ किसके, ए बी वैक्टर के। ये रिजल्ट आपसे बताया गया था। बट बी इज द कॉमन पॉइंट, बी इज द कॉमन पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट वैक्टर बी सी एंड ए बी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है और कोलिनियर तो बेटा इनको बनाने वाले जो पॉइंट्स है वो भी कोलिनियर। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल तो उनमें बिल्कुल इस टाइप का बेटा रिजल्ट मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और अगर उनमें कोई पॉइंट कॉमन है तो कोलिनियर है, अदरवाइज केवल पैरेलल है। तो ए बी और बी सी लेंगे तो बी कॉमन हो गया, ए बी और ए सी लेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट बेटा बिल्कुल सेम है, सेम एज पार्ट फर्स्ट। ट्राई योर सेल्फ। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चार अलग अलग पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर्स दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जिसको वेक्टर ओ ए लिख देते हैं इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी जिसको वेक्टर ओ बी लिख देते हैं बी वेक्टर है। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी वेक्टर ओ सी लिख देते हैं, ये सी वेक्टर दे रखे है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इसको वेक्टर ओ डी लिख देते हैं इज इक्वल्स टू डी वेक्टर। आपने ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना, और ये चीज भी दे रखी है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए बी वेक्टर का। ये किसका फॉर्मूला होता है, डी सी वेक्टर का। अब देखिए ये है ए बी सी डी, ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की जब डेफिनेशन क्या बोलती है
कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और पैरेलल भी है और डायरेक्शन भी सेम है, तो डायरेक्शन को छोड़िए, चलो हम दो चीज लेते हैं, इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल विद डी सी, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल इक्वल है तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई। और एक क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी और पैरेलल भी हो, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 12.2। इसके बाद हम चलेंगे बेटा एक्सरसाइज 12.3 में। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, इसके लिए इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।